मिर्जापुर में भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भाकपा माले पार्टी की तरफ से किसान विरोधी काला कानून रद्द करने तक आंदोलन करने का ऐलान किया गया। वह जिले में कानून व्यवस्था को पूरी तौर पर ध्वस्त हो चुके किसान विरोधी काला कानून रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय महिला प्रगतिशील एसोसिएशन के राज्य व्यापी आंदोलन के तहत मंगलवार जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए महिला नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। लेकर आप यहाँ उपस्थित हुई हैं? हम लोग आज उपस्थित हैं जो पूरे दिल्ली में किसान हैं। किसानों का हत्या हो रही है, हम लोग भी समर्थन दे रहे हैं। किसानों के समर्थन में हम लोग भी बैठे हैं। एक हम लोग के संगठन महिला संगठन से हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं। जो किसानों के साथ काला कानून, कृषि काला कानून जो बनाए हैं मोदी सरकार, उसका हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। हम लोग किसान के साथ हैं। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे केंद्र सरकार जिस तरीके से भेदभाव किसान के साथ, भेदभाव महिलाओं के साथ, भेदभाव जो यहाँ के दलित आदिवासी हैं उनके साथ अत्याचार लगातार मिर्जापुर के अंदर बढ़ा है। हम लोग अभी जो बात हो रही है, ये बबीता के जो बबीता लड़कियां जिनके नाबालिग बच्ची हैं उनके साथ रेप हुआ था, हम चौकी पर भी बात किए थे, हम थाने में भी बात किए थे। अभी तक ये सरकार में इस तरीके से व्यवहार कर रही है कि जो मुलजिम है गंगरेप हो रहा है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अभी पुश्तैनी जमीन से रह रहे हैं, उसी गाँव अमोई के बात बता रहा हूँ, उसी अमोई गाँव में रेप हुआ और उनका घर भी गिराया जाए कि कल पूरा पीएससी फोर्स लगी हुई थी। भाजपा सरकार में इतनी दमन कर रही है सरकार कि कैसे यहाँ के जमीन खाली करा दें, कैसे पूंजीपति के हाथ में दे दें, एक तो ये सवाल थी। तीसरी सवाल है घूराकाड़ा में महेंद्र पटेल का हत्या हो गई। अभी हम लोग ये डीएम से वार्ता किए थे 15 तारीख के कि नहीं आप ये कार्यक्रम जरूर आगे बढ़ाइए। डीएम ने यहाँ बात किए थे कि नहीं उनके महिला के हम 5 बीघा जमीन देंगे, जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार करेंगे। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि डीएम महोदय हैं ये पूरे जिले के मुखिया हैं जरूर काम करेंगे, बाकी आज तक एक भी कार्रवाई नहीं किए। आप चले जाइए, बगल में भेड़ा छुलावा है, राजकुमार कोल का हत्या कर दिया जा रहा है, थाने के अंदर बोल रहे हैं कि नहीं हत्या नहीं अपने से वो बाइक से हत्या हो गई है। इस तरीके से समाज और जनता के बीच में जिस तरीके से व्यवहार हो रही है, हत्या हो रही है, हम मांग करते हैं ये एकवा संगठन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम के चलते हुए ये जरूर गिरफ्तारी हो, जेल जाएं। हम अप लोग जो पुश्तैनी जमीन है वो पुश्तैनी जमीन हम लोग के बरकरार रहे। तीसरी मांग हम कर रहे हैं कि जो वहाँ आदिवासी लोग हैं, वही लालगंज के बगल में आदिवासी लोग हैं, 50 घर है, कम से कम 100 लोग बसे हुए हैं 10 बिस्ता जमीन में। हम लोग भी मांग पत्र दिए थे डीएम की हम कि नहीं ये गलत है, वो लोग के 10 बिस्ता जमीन में 150 परिवार कैसे रह सकता है, उनके नाम से 1 बिस्ता कम से कम आबादी दिया जाए। यही बगल में पटेहरा गांव है, वहाँ के पटेहरा गांव के एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं राजू सिंह भैया, वो 350 306 बीघा जमीन वो बिहार से लेते हुए झारखंड के हैं, एमपी के लोग हैं, उनके नाम से कैसे जमीन हो जा रही है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो जमीन ग्राम सभा की जमीन है, उस गांव के जमीन जो ग्राम सभा के लोग हैं, उस गांव के लोग हैं, उनको जमीन मिलनी चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं धरना के माध्यम से। आप यही बगल में आप चले जाइए, ये चुनरी बाँध है, चुनरी बाँध में एक दबंग है जो बहुत बड़े पूंजी वाले हैं, उनके जमीन पर वो जमीन पर जो वो चाह रहे हैं वहाँ के डीएम महोदय काम कर रहे हैं, उनके इशारे पर यहाँ के डीएम चल रहे हैं। वो जो खेती करा रहे हैं अपने माध्यम से, उनका ट्रैक्टर नहीं रोकी जा रही है, उनका खेती कराया जा रहा है। जो किसान हैं अपने से खेती करना चाह रहे हैं, उनका ट्रैक्टर पकड़ के जेल भेजने की बात हो रही है, सीज करने की बात हो रही है। पूरी खेती जो उनके विरोध में लोग हैं